असलकम फ्रेंड्स क्या आपने अपने घर पर चिकन नूडल्स कभी बनाया है अगर बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए अगर नहीं बनाए हैं तो ये रेसिपी को फुल वीडियो को देखिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बहुत आसान से बताऊंगी चिकन नूडल्स बिरयानी घर पर आसानी से कैसे बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रहमान रहीम गैस ऑन कर लेना और तेल गरम करते कर लेना रिफ़ाइन तेल और खड़े मसाले थोड़ा सा डाल देना बिरयानी का और दो प्याज को कट करके डाल देना थोड़ा सा लाल होने के बाद प्याज फिर यहाँ पर चिकन हम डाल रहे हैं 600 ग्राम चिकन है उसको मिक्स कर लेना और दो मिनट के लिए भून लेना कलर जैसे ही चेंज होता है तो इसमें हम नमक डाल रहे हैं एक चम्मच और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से भूनना है हमें नमक और हल्दी में ये देख सकते हैं तीन से चार मिनट भून लेने के बाद फिर इसको मिक्स कर लिए फिर इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट हम तीन चम्मच डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हरी मिर्ची तीन से चार डाल रहे हैं और एक चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं और यहाँ पर जीरा पाउडर एक चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पर तेज़ पत्ता दो से तीन डाल दीजिएगा और इसको मिक्स कर लीजिएगा ये बहुत ही मज़े का बिरयानी बनता है आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा यहाँ पर दही हम एक कप से थोड़ा सा कम डाले हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं बस गैस का फ्लेम हाई रखना है यहाँ पर कसूरी मेथी हम डाल रहे हैं एक मुट्ठी यानी दो से तीन चम्मच और बिरयानी का मसाला यहाँ पर डाल रहे हैं दो चम्मच ये होममेड बिरयानी मसाला है मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे रेसिपी में है देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कम लगा तो हम यहाँ पर और हाफ चम्मच नमक डाल दिए और यहाँ पर लेम्बू का रस हम हाफ़ डाल रहे हैं और यहाँ पर हरा धनिया पत्ता डाल रहे हैं आपके पास अगर हो तो पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं इसको बस मिक्स कर लीजिएगा ये कौरमा बिल्कुल तैयार है अब इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर पानी गरम कर लेना है चावल के लिए और नूडल्स के लिए यहाँ पर हरी इलायची चार डाली हूं और तीन तेजपत्ता डाली हूँ और नमक यहाँ पर तीन चम्मच डाल रही हूं और यहाँ पर चावल दो सौ पचास ग्राम डाल रही हूं इसको मिक्स कर लेना है और ढक कर इसको एक उबाल आने तक पका लेना है और यहाँ पर भेज नूडल्स ले रही हूं ये एक के का पैकेट है हम हाफ से भी कम लेंगे एक चौथाई लेंगे मतलब ढाई सौ ग्राम ये देख सकते हैं हम इतना ही लिए हैं नूडल्स मतलब चार मुट्ठी होगा शायद ये चावल देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पर नूडल्स को डाल देना है थोड़ा सा चावल पका लेना है पहले क्योंकि चावल में थोड़ा सा टाइम लगता है उसके बाद नूडल्स को डाल देना है फिर यहाँ पर दो से तीन चम्मच ऑयल डाल देना है और यहाँ पर लेम्बू का रस डाल देना है हाफ और केवड़ा पानी मतलब केवड़ा वाटर डाल देना है वन टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेना है नूडल्स पकने तक तीन से चार मिनट पका लेना है गैस का फ्लेम हाई रख के ढक कर ये देख सकते हैं बॉईल आ चुका है नूडल्स में भी इस तरीके से चेक कर लीजिएगा नूडल्स पक चुका है तो इसको पसा लेना है और चावल भी चेक कर लीजिएगा ये देख सकते हैं चावल भी तैयार है नूडल्स भी तैयार है मतलब एटी परसेंट पका लेना है फिर ट्वेंटी परसेंट दम देना है इसको हम छान लेते हैं एक छन्नी की मदद से सभी नूडल्स और चावल को छान लेने के बाद एक तावा रखते हैं गैस का फ्लेम लो करके और वही डेगची रख लेना है जिसमें हम चावल पकाए हैं और थोड़ा सा तेल या घी डाल देना है हम यहाँ पर घी यूज़ किए हैं गावा घी और इस पर एक चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया और उसको मिक्स कर लिए यहाँ पर चावल और नूडल्स ही यहाँ पर हाफ डालेंगे फर्स्ट हमें लेयर करना है लेयर देना है बिरयानी के लिए फिर यहाँ पर जो कोरमा बना के रखे थे वो सभी को डाल देना है चिकन कोरमा को फिर यहाँ पर बिरयानी मसाला एक चम्मच डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ आपको अगर पसंद है तो यहाँ पर फ्राई किया हुआ ऑनियन भी डाल सकते हैं मेरे बच्चों को पसंद नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा प्याज़ यूज़ नहीं करती हूँ आप चाहें तो डाल सकते हैं और जो हाफ चावल और नूडल्स बचा हुआ है उसको डाल देना है फूड कलर मैं यहाँ पर केवड़ा वाटर के साथ मिक्स करके डाली हूँ ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर और यहाँ पर ऊपर से गावा घी डाल देना है हाफ कप या फिर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं और एक चम्मच बिरयानी मसाला डाल देना है और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाल देना है और उसको कवर बंद करके यहाँ पर गैस का फ्लेम लो है इसको पंद्रह मिनट तक दम दे देना है इस तरीके से देख सकते हैं पंद्रह मिनट हो चुका है हम गैस ऑफ कर लिए और पंद्रह मिनट इसको ठंडा होने के बाद इसको मिक्स कीजिएगा सर्व कीजिएगा ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार बहुत ही टेस्टी यमी बिरयानी हेल्दी बिरयानी घर पर बना सकते हैं कम प्राइस में आप अपने घर वालों को उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आप ज़रूर से बनाइए खिलाइए इंजॉय कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए या फिर हमारे फेसबुक में नए हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ Thank you.